ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। उनसे जानते हैं कि दिल्ली की जो राजनीति में इस वक्त चल रहा है उसके बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, दिल्ली की राजनीति इस समय बहुत ज्यादा गर्म है और देश में आतंकी हमला भी हुआ है, तो देश में राजनीति भी गर्म है और गुस्सा भी बहुत है। केजरीवाल जी बहुत सारे चीजें बातें बोल रहे हैं कि दिल्ली से बीजेपी को अगर हटाना है तो कांग्रेस को वोट ना दें, तो ये वाला कुछ जो उनका जुमला है कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वही अरविंद केजरीवाल हैं जब इस दिल्ली के जेएनयू में नारा लगा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो अरविंद केजरीवाल ये नारा लगाने वाले देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए। पहले तो बोले कि ये झूठा है ये ऑडियो वीडियो, जब वो लैब से टेस्ट होके आ गया कि नहीं ये सच्चा है, तब कहते हैं कि नहीं हम इन पे कार्रवाई करने को दिल्ली पुलिस को एनओसी नहीं देंगे, क्योंकि एक नियम है कि देशद्रोह के मुकदमे में प्रदेश का मुखिया का भी एनओसी लगता है मुख्यमंत्री का। तो अब वो तो समझ लीजिए कितने घाव लगे होंगे उनको इस बात से कि इस देश के सारे लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी चूंकि जितना वादा किए थे 70 वादे किए हैं और 74 झूठ बोल चुके हैं, अभी रोज़ फ़ोन करवाते हैं तुम्हारा वोट कट गया, भाजपा ने कटवा दिया। तो दिल्ली की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, उसको पता है कि वोट बनाना और काटना चुनाव आयोग का काम है, ये तो ना अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं ना मनोज तिवारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास अब उनके 4 साल बीत गए, अब आप पोस्टर देखिए लगाए हुए हैं कि हमने काम करना शुरू किया, तो 4 साल तक भैंस चरा रहे थे, क्या कर रहे थे 4 साल तक? आप 4 साल बाद लिख के बेवकूफ बनाना चाहते हो? फिर ये बात बता रहे हैं काम करना शुरू किया, तो इसी से मेरे को बात याद आई भी, केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं, तो एकदम से दिमाग में ये बात भी आई कि उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने फाइल मंगा ली, काम नहीं करने दिया, तो इसको किस तरह से देखते हैं? इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने NH-24 जो मेरठ का रास्ता है उसको 14 महीने में बना के दे दिया, जमुना जी पे पुल भी बना दिए। इसी दिल्ली में हमने 13 करोड़ का CCTV लगा के दे दिया, परसों 26 तारीख को हम मौजपुर में और शास्त्री पार्क में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे CCTV से 5 करोड़ बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग पकड़ी गई है हमारे सीलमपुर में। तो अब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो जनता पूछेगी कि भैया क्या किए, हमारा बस में मार्शल कहाँ है, वाईफाई कहाँ है? अब मैं तो आज देखा एक जगह, कई जगह पोस्टर लग रहा है कि अशोक बिहार को बधाई, तो हमने पूछा क्या भाई आ गया वाईफाई? तो लोग वो एक आदमी बोल रहा है ये नया नाटक है भाई इसका। अब आप देखो लोग समझने लगे हैं, और आप दिल्ली के लोग बहुत भोले हैं अच्छे हैं, एक बार आपने उनको बेवकूफ़ बना दिया, आपको काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि आप काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं। नरेंद्र मोदी साफ कहते हैं कि हमने इतने समय में जो जो किया अभी पूरा नहीं है, अभी तो भारत के गौरव का हुआ श्री गणेश है, शिखर अभी शेष है, हम सब ऐसे छोटे छोटे ऋण भी देंगे, देश के लोगों को सुरक्षित भी करेंगे, और जिन लोगों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया है उस हमले से बड़ा बदला लेंगे, और 4-5 चीज़ें हो भी चुकी हैं, आगे आगे देखिए, हम किसी को जो देश विरोधी होगा आतंकवादियों को छोड़ने वाले नहीं। अच्छा, ये भी कहा गया कि केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलता है तो हम दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित कर देंगे, और हर एक के जो भी दिल्ली का वासी है उसको अपना मकान मिलेगा दिल्ली के अंदर, तो जुमलेबाजी क्या हम मान सकते हैं कि शुरू हो गई है? देखिए, अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे गली में चुनाव में, तो लोग कहेगा भैया पानी तो बहुत गंदा आया, बताओ पनिया में तो सड़ल सड़ल पानी, काला पानी आ रहा है, तो उसका जवाब कैसे देंगे? इसलिए उन्होंने एक नई फिल्म बनानी शुरू की है जिसमें वो धरना पे भी बैठने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अरविंद भाई तब तक धरना पे बैठे रहो जब तक दिल्ली को साफ पानी, CCTV, वाईफाई, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट,
अच्छे नए स्कूल, नए कॉलेज, कम से कम 500 कहे तो 5 तो दे दो, जब तक नहीं देते हो उठना मत धरने से पट्टे, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल की लगातार इस तरह की जब बातें चल रही हैं तो केजरीवाल जी को आप क्या कहेंगे, लड़ के सारे काम उनको कराने पड़ते हैं बीजेपी से, तो क्या ऐसा दिन आएगा कि वो ने हर काम बिना लड़े भी करने पड़े? मैं समझता हूँ जब व्यक्ति, एक साजिश करने वाला व्यक्ति, जनता को रुलाने वाला व्यक्ति, जनता की मौत पे राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से निगेटिविटी सोचने लगे तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु ही वैसे लोगों का समापन कर दे। तो ये थे मनोज तिवारी जी, जिन्होंने दिल्ली की जनता को बता दिया है कि आखिर दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। और भी चीजें हम इनसे जानेंगे, तो देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर